ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने क्या कहानी देखी थी? कल तक हम लोगों ने कहानी देखी थी कि फ्रीक्वेंसी जो रहता है उसको कौन डिफाइन करता है, फ्रीक्वेंसी किस चीज को डिफाइन करती है, पिच को। हाई पिच मतलब वॉइस कैसी होगी, श्रिल। लो पिच मतलब क्या होगा, वॉइस कैसी होगी, हॉर्स या फिर कड़क। लड़कियां जो रहती है उनकी वोकल कॉर्ड कलती होती है, तो वो 1 सेकंड में ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करती है, ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करती है तो पिच क्या हो जाती है, हाई। पिच क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो आवाज कैसी आती है, पतली कान में चुभने वाली। लड़कों की आवाज वोकल कॉर्ड कंपेरेटिवली क्या रहती है, थिक रहती है, और क्योंकि लड़कों की वोकल कॉर्ड्स कैसी रहती है, थिक रहती है, तो पिच क्या रहता है, लो। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, लो, तो पिच भी क्या रहेगा, लो। तो इसलिए वॉइस कैसी होती है, हॉर्स। फिर आता है कंसेप्ट किसका, वेव वेलोसिटी का। अब हम लोगों ने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। देखो दुनिया में कोई भी कभी भी अगर वेलोसिटी की बात होती है, कभी भी किसकी बात होती है, वेलोसिटी की, तो वो चीज हमेशा कायम में आएगी, पर यूनिट टाइम में आएगी। कैसे आएगी, पर यूनिट टाइम। यहाँ कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है, वेव वेलोसिटी की। किसकी बात हो रही है, वेव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, वेव। टाइम भी किसका होगा, वेव का। तो हम लोग जब वेव वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो हम लोगों ने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय वन वेव। क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय वन वेव। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव बेसिकली हम लोगों ने अभी भी पढ़ा क्या होता है, वेवलेंथ। टाइम टेकन बाय वन वेव क्या होता है, हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद करो, उल्टे वायर से, जिसको हम लोग चीख चीख के क्या कहते थे, लैम्डा। और टाइम पीरियड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। याद करो मैंने कहा था टोटल टाइम को हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम पीरियड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी। तो मेरा जो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, वी इज इक्वल्स टू कितना, लैम्डा बाय टी। वी इज इक्वल्स टू क्या, लैम्डा अपॉन में टी। अब चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लैम्डा इंटू वन अपॉन में टी। ऐसा क्यों किया, तो मैंने कहा देखो वन अपॉन में जो टी होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे में जो मेरा वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ब्रैकेट में ये जो बना रही हूँ, याद करो बताया था इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू। तो अगर तुम्हें न्यू कंफर्टेबल लगे तो न्यू करो, मुझे कंफर्टेबल लगता है क्या, एफ। किस हिसाब से, तुम लोगों के हिसाब से, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपली वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो क्या तुम्हें वेव वेलोसिटी का डेरिवेशन समझ में आया, क्या पूरी कहानी एक शॉट में देखकर लग रहा है कि कोई परेशानी है, कि आ गया समझ में, शांति चैन सुकून से देख लो, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ लो। चलो अब देखो, हमने साउंड की वेलोसिटी का डेरिवेशन भी समझ लिया और फॉर्मूला भी समझ लिया, ठीक है ना। अब जब हम लोग आगे कहानी पे जाते हैं, आगे कहानी पे जाते हैं, उसके पहले बहुत छोटी सी चीज समझ लेते हैं। तुम्हारे पास वेवलेंथ के कितने फॉर्मूले हैं, दो। एक कौन सा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, नंबर ऑफ वेव्स। दूसरा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है, तो किस जगह पे यही ये फॉर्मूला लगेगा और कौन जगहों पर ये फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली तुम्हारे पास अगर टाइम पीरियड की बात करें, तुम्हारे पास टाइम पीरियड के कितने फॉर्मूले हैं, दो। एक तो क्या है, टोटल टाइम अपॉन में नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है ना। अब ऐसे में एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, ये हो गया, एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला तो टाइम पीरियड का क्या हो गया, ये हो गया, कौन सा, टोटल टाइम अपॉन में नंबर ऑफ वेव्स। टोटल टाइम में अपॉन में नंबर,
नेक्स्ट, ये सारे फॉर्मूलाज किसके हैं हमारे पास, वेवलेंथ के हैं, टाइम पीरियड के हैं, फ्रीक्वेंसी के हैं और वेलोसिटी का तो है ही। कौन सा वाला? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू या तो वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड या फिर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, किस पे आते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा वो क्या होता है? मीडियम। सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है? मीडियम। मीडियम मतलब कि जो साउंड है, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने चीख चीख के बोला क्या कि वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी? सॉलिड में। उससे कम कहाँ रहेगी? लिक्विड में। और सबसे कम कहाँ रहेगी? गैस में। जस्ट इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यों क्यों है ऐसा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है और गैस में सबसे ज्यादा कम है, तो इसका रीजन क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो सॉलिड में सबसे ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा पास पास होते हैं, तो सॉलिड में चीजें कैसे ट्रेवल करेगी फास्ट? लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसेस में क्या होता है? सबसे दूर होते हैं। क्लियर है? सेकेंड फैक्टर होता है बेटा टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? ज्यादा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? कम। लॉजिक है, साउंड को मटेरियल मीडियम ट्रैवल के मतलब चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अब जब साउंड है तो पार्टिकल जितनी फास्ट फास्ट वाइब्रेट करेंगे उतनी जल्दी साउंड ट्रैवल होगा। अब मैंने कहा पार्टिकल्स फास्ट फास्ट कब वाइब्रेट करेंगे? जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे? धीरे धीरे। तो जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी चीज रहती है बेटा ह्यूमिडिटी। तीसरी चीज क्या रहती है? जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स क्या रहेंगे? एयर में वाटर के पार्टिकल आ जाएंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? कम। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा, और ह्यूमिडिटी कम तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम। इज दैट क्लियर? बोलो, यहां तक कोई परेशानी? देखो, बेस्ड ऑन जो चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, बेस्ड ऑन जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी, तो अभी हम लोगों ने बेसिक चीजें तो पढ़ ली। कौन कौन सी? कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साउंड वेव्स के, ठीक है ना? फिर हम लोगों ने क्या देखा? स्पीड ऑफ साउंड भी देख लिया। अरे, बात समझ में? अब जो हमको कहानी देखनी है, अब जो हमको कहानी देखनी है वो दो देखनी है। एक क्या देखनी है? टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड। दूसरी हम लोग को देखनी है क्या? इंटेंसिटी और लाउडनेस में फर्क। और तीसरी बात, नोट क्या होता है, टोन क्या होता है और नॉइज क्या। अरे, बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ टर्म्स देख रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स। जैसे पहला है क्या? टिम्बर। टिम्बर मतलब या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड। सिंपल सा लॉजिक है कि जो रक्षित है वो तबला बजा रहा है और जो हिमांशी है वो गिटार बजा रही है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम। दोनों ने डिसाइड कर लिया था भैया इतने एम्पलीट्यूड पे बजाएंगे और इतनी फ्रीक्वेंसी बजाएंगे, क्या तो भी दोनों में से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग आएगा? हाँ, तबले की आवाज बिल्कुल अलग आएगी और गिटार की आवाज बिल्कुल अलग लगेगी, यानी कि दो साउंड्स है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। एम्पलीट्यूड भी क्या है? सेम। लेकिन जो साउंड बाहर निकल कर आएगी वो क्या होगी? अलग। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? टिम्बरे या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या होता है टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड? इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव
which helps us to distinguish between two sounds of same frequency and wavelength. तो दो ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, वेवलेंथ भी क्या है सेम, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, एक दूसरे से हो सकता है अलग हो, तो वो अपनी किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या है अलग है, तो हमने चीक चीक के बोला क्या क्वालिटी या फिर टिम्बर की वजह से, किसकी वजह से क्वालिटी या फिर टिम्बर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिसाइड कर ले कि दो साउंड जो है उनकी जो वेवलेंथ रहेगी, सॉरी उनका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब ऐसे में जो जो तबला रक्षित बजा रहा था उसकी वेव कैसी बन रही थी, ऐसी बन रही, ठीक है, एक दो और तीन वेव्स बनी, मतलब एक सेकेंड में फ्रीक्वेंसी कैसे। और जो गिटार हमारी कौन बजा रही थी, हिमांशी बजा रही थी, उसकी उसका वेव का शेप कैसा था, कुछ ऐसा। तो अगेन क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, हाँ, क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन क्या होगा दोनों का साउंड अलग निकल कर आएगा, दोनों की क्वालिटी अलग होगी, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड। अब दो टर्म समझने, एक समझने है तुम लोग को टोन और एक समझना है क्या नोट, दिखते तो एक जैसे, दिखते तो क्या है एक जैसे, टोन क्या होता है, अ साउंड वेव ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज अ टोन, ऐसा साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ही फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे टोन। साउंड वेव्स विद अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, साउंड वेव विद अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज व्हाट, नोट। तो जब तुम लोग वहां पढ़ते हो ना कि यार ये वाला नोट बजा ये वाला नोट बजा, तो बेसिकली वो क्या होते हैं ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है, कि सबसे पहले आप ये वाली फ्रीक्वेंसी बजाओगे, फिर आप ये वाली फ्रीक्वेंसी बजाओगे, फिर आप ये वाली फ्रीक्वेंसी बजाओगे, और फिर आप ये फ्रीक्वेंसी बजाओगे। और तीसरा जो टर्म तुम्हें समझना है वो समझना है क्या नॉइस, तीसरा टर्म तुम्हें कौन सा समझना है नॉइस, नॉइस क्या होता है। तो हमने कहा कि अ साउंड और अ वेव अनप्लीजेंट टू हियर इज नोन एज नॉइस। तो नॉइस बेसिकली क्या है, ऐसी साउंड वेव जिसको सुनने में आपको मजा नहीं आ रहा है, उसे हम लोगों ने चीख चीख के क्या कह दिया नॉइस कह दिया, क्लियर है क्या। आगे जाएं नेक्स्ट, यहीं पर अब हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक किसका लाउडनेस का और एक किसका इंटेंसिटी का, एक किसका लाउडनेस का और एक किसका इंटेंसिटी का, तो द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। तो बेसिकली अगर हम लोग लाउडनेस और इंटेंसिटी में फर्क समझना चाहें, तो लाउडनेस क्या होता है कि एक साउंड को एक कान कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब तुम डिस्को विस्को जाते हो, कितने लोग जाते हो, तो तुम लोग को वो साउंड अच्छा लगता है, ठीक है, वो तुम्हारे कान का परसेप्शन है कि तुमको जोर का नहीं लग रहा, लेकिन मुझे जोर का लगता है, मेरे कान उसमें पड़ जाते हैं, वो मेरे कान का परसेप्शन है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लाउडनेस। लेकिन जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी बहुत ऑब्जेक्टिव होती है, कि एक यूनिट एरिया पे, एक गिवन एरिया पे, एक सेकंड में, एक गिवन एरिया पे, ये गिवन एरिया है, इस गिवन एरिया पे
एक सेकेंड में इतनी साउंड एनर्जी गिरेगी, एक सेकेंड में इतनी साउंड एनर्जी गिरेगी, ये क्या हो गया इसका बेटा? इंटेंसिटी क्लियर है? एग्जाम में बहुत बार लाउडनेस और इंटेंसिटी पे डिफरेंस पूछ चुके हैं, इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? कभी कभी तुमको एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करो जिसमें तुमको ये शो करना है कि जो साउंड है ना वो एक मैकेनिकल वेव, यानी कि जो साउंड है उसको क्या करना है, एक मटेरियल मीडियम की जरूरत है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि बिना मटेरियल मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो तुम लोग क्या करोगे, बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम झट से प्रूव कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक बेल जार लेनी है, हमें क्या करनी है, बेल जार लेनी है, ठीक है ना? ऐसी एक जार आती है, और ये बेल जार के अंदर हम लोग बताओ क्या रख देंगे, एक अलार्म क्लॉक रख देंगे। क्या रख देंगे? अलार्म क्लॉक। ये क्या है मेरी? अलार्म क्लॉक, ठीक है ना? खुश होने की जरूरत नहीं है, बढ़िया बनाई है मैंने, ठीक है, थैंक यू। और यहां से मैं क्या करूंगी, एक वैक्यूम ट्यूब लगा दूंगी। क्या लगा दूंगी? एक वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब का काम क्या होगा पता है? हवा निकालते जाएगा, क्या करेगा? हवा कम करते जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा। और मैं इस अलार्म क्लॉक को क्या करूंगी, ऑन करके अंदर रख दूंगी। अब जैसे जैसे वैक्यूम ट्यूब क्या करेगा, एयर बाहर खींचता जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि जो अलार्म क्लॉक है उसकी जो वॉइस है वो क्या होती जाएगी, फीबल होती जाएगी। फीबल मतलब कम होगी, कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी, और एक दिन क्या मतलब जैसे ही हवा कम होती जाएगी वैसे ही साउंड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बेल जार में से एयर निकाल रहे हो तो बेल जार है तो नई एयर आने का तो कोई स्कोप है नहीं, और एग्जिस्टिंग एयर आप क्या कर दोगे, अगर निकाल दोगे तो क्या होगा, उसको कोई मीडियम बचेगा नहीं जिससे साउंड क्या कर पाए, ट्रैवल कर पाए, है ना? इसलिए बोलते हैं कि वो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रहते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो माइक्रोफोन से बातें क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऐसे हाय हेलो एक दूसरे को बोलेंगे, तो कोई मीडियम तो है नहीं, एयर भी नहीं होगी, तो जो साउंड की वाइब्रेशन है उनको ट्रैवल करने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए, इसलिए वो क्या नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटी, ये क्या बताती है? ये बताती है साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है? तो अब अगर एस्ट्रोनॉट वाला क्वेश्चन आ जाए या ये एक्टिविटी आ जाए, ठीक है ना, तो तुम लोग बता देना, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज पूछते हैं कि सोर्स ऑफ साउंड किन किन चीजों में क्या होता है, जो तुम लोगों ने बहुत प्यार से 8th में पढ़ा था। जैसे जितने भी हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि गिटार या फिर सितार, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती है। क्या होती है? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है ना? फिर जो हमारा तबला होता है, जिनको हम लोग परकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, या ढोलक होता है, उनकी जो स्किन रहती है वो वाइब्रेट करती है, जो तुम टक 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 ऊपर से बजाते हो ना, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ आता है तो तुम लिख लेना, क्लियर है? अब हम लोग जाते हैं काय पे, हमारी नेक्स्ट कहानी पे, जिसको हम लोग चीख चीख के क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना? जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिफाइन करते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है? तो जब साउंड वेव्स, जैसे हमारी लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट करती है, वैसे ही क्या करेगी, साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करेगी। फिर हो सकता है तुमसे पूछ लें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पूछ लें? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड,
इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सेम दोनों रूल्स याद करो, तुम लोगों ने लाइट में भी पढ़े थे, दो लॉस है ना। अब लॉजिक बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर, बहुत छोटी सी चीज देखनी है हम लोग को कि सपोज हम लोग ने क्या करा, याद करो ये मैंने एक्टिविटी पहले तुम्हें क्लास में भी डिस्क्राइब करी थी कि ये हम लोग क्या कर लेंगे, एक हार्ड रफ सर्फेस ले लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग एक क्यूब रख देंगे इस तरीके का, ठीक है। अब इस ट्यूब के आगे हम लोग कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट रख देंगे, मेरे लिए तो मेरी वही अलार्म क्लॉक बढ़िया है, तुम चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, किसी भी तरह की बेल वेल, आ रही है बात समझ में। अब क्योंकि साउंड इधर पे से अंदर जाएगा, क्योंकि साउंड इधर पे से क्या जाएगा, इधर पे से अंदर जाएगा और वो इस सरफेस को यहाँ स्ट्राइक करेगा, कहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ। तो पहली बात तो इस पॉइंट को हम लोग चीख चीख के क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस हिसाब से देखें तो ये जो रे जा रही है इसे हम लोग क्या कह देंगे, इंसिडेंट रे। इस रे को हम लोग क्या कह देंगे, इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नॉर्मल। ये जो नॉर्मल होगी ये मेरी सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये जो नॉर्मल होगी ये क्या होगी, मेरे सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। अब ये है मेरी नॉर्मल, ये है मेरी नॉर्मल, ये है मेरी इंसिडेंट रे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे मैं क्या कहूंगी, आई, क्या कहूंगी, आई, वेर आई इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेर आई इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगी एक काम कर रक्षित, क्या करना है रक्षित को, रक्षित को एक और ट्यूब लेके यहाँ पर खड़े हो जाना है, और वो इस ट्यूब को लेकर कुछ ऐसे एडजस्ट करेगा जिससे जो साउंड है उसकी जो आवाज है ये इस तरफ पे क्या है, मैक्सिमम है, इस तरफ पे क्या है, मैक्सिमम। तो ये क्या करेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, और ऐसे पॉइंट पर आकर रुकेगा जब क्या हो, यहाँ से जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी आवाज क्या आए, मैक्सिमम आए। अब ये क्या हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गई मेरी, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे हम लोग क्या कह देंगे, आर, वेर आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हमारा सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, हमारा सेकेंड लॉ बोल रहा है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी। अब देखो एक और कैसी चीज है जिसका एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है, जिसपे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और जिसकी थियोरी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इको कुछ भी नहीं है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, इको कुछ भी नहीं है रिफ्लेक्शन, तो इको क्या है बेटा, एक नेचुरल फिनोमिना है, इको क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें क्या होगा, जो साउंड वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं वो किसी सरफेस को, जो किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगी और क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो वही साउंड हमको क्या करेगा, वापस सुनाई देगा, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ एजेंडा क्या है, यहाँ जो डेरिवेशन आती है वो आती है मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन ई, कहाँ पे आती है, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन एको, ठीक है। तो किसके बीच का डिस्टेंस, मैंने कहा ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो बात हो रही है किसकी, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, किसका बात हो रही है, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग, यानी कि अगर मैंने यहां से आवाज भेजी और ये क्या है मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आया समझ में।
तो साउंड इधर पे से इधर जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, डी, और इधर पे से इधर आएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, डी, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा साउंड वो कितना हो जाएगा, 2D। तो हम लोगों ने बोला कि देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड कितना होगा इस केस में, डी प्लस डी दैट इज कितना, 2D। अब अगर मुझे पूरा साउंड क्लियरली सुनना है, पूरा साउंड क्लियरली सुनना है, तो मेरे पास जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 1/10 ऑफ अ सेकेंड, दैट इज 0.1 सेकेंड, दैट इज क्या, 0.1 सेकेंड। क्लियर है, बोलो कोई परेशानी? ठीक है, अब ये जो 0.1 सेकेंड है, ये 0.1 सेकेंड क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो मैं चीख चीख के बोलूंगी बेटा, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन हियरिंग, ये क्या बला है। तो हमने कहा अगर एक ह्यूमन एक साउंड सुनता है तो उसको 1/10 सेकेंड तक याद रखता है, ठीक है ना, 1/10 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, 1/10 सेकेंड के पहले कोई दूसरी साउंड आ गई तो ये दूसरी साउंड नहीं सुन पाएगा, क्योंकि अभी वो पहली साउंड ही नहीं भूला है। क्या सबने तारे जमीन पर देखी है, उसमें देखा है वो अपनी मम्मी की फोटो बनाता है डायरी में, ऐसे डायरी दर दर करता है तो मम्मी से दूर जाता जाता है, वो देखा है वो वाला सीन, वो होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, वो होता है 1/16 ऑफ अ सेकेंड, वेरिन मेरी आंख ने अगर एक इमेज देखा तो कितनी देर तक याद रखेगी, 1 सेकेंड तक, 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक, उसके पहले आप दूसरी इमेज ले आए तो क्या होगा, तो वो भूल नहीं पाएगी उसको, हाँ मतलब वो उसको रिसीव नहीं करेगी। तो ऐसे में जब वो बुक को ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, देखा है बुक को ऐसे करके खोलते हैं, तो आंखों के सामने 1 सेकेंड में कितने फ्रेम चल जाते हैं, 16, तो मैं पुराना भूलू उसके पहले नया आ जाता है, उसके पहले नया आ जाता है, तो मैं कुछ वो चीज कैसी दिखती है, चलती हुई दिखती है। अरे बात समझ में, ये जितना भी एनिमेशन रहता है इसका कंसेप्ट ही रहता है कि अगर 1 सेकेंड में आप आपके सामने कितने फ्रेम्स रख दोगे, 16, तो आपको वो चीज बहुत स्मूथली कैसी दिखेगी, चलती हुई दिखेगी। अरे बात समझ में, तो ये चीज तो आइस के लिए, साउंड के लिए कितना है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो ह्यूमन आई का सॉरी ह्यूमन ईयर का परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना होता है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो ये कहानी किसकी हो गई हमारी, इसकी। अब हम लोगों ने बोला कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 340 भी हो सकती है, 345 भी हो सकती है, हम लोगों ने जब न्यूमेरिकल्स करते तब भी डिस्कस किया था, बट क्योंकि एनसीईआरटी में कितनी दी हुई है, 344, तो इस डेरिवेशन के लिए हम लोग कितनी ले रहे हैं, 344, ठीक है ना। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड कितनी देके रखी है हमारे पास, 344, डिस्टेंस को क्या लेंगे, 2D, और टाइम को क्या ले लेंगे, 0.1 सेकेंड। क्लियर है क्या, तो जब इसको यहाँ भेजेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 344 × 0.1 = कितना, 2D, दैट इज 34.4 = कितना, 2D, तो D = कितना हो जाएगा मेरे पास, 34.4/2, दैट कम्स टू कितना, 17.2 मीटर। यानी कि अगर मुझे किसी चीज का कंप्लीट इको सुनना है, मतलब साउंड जाए प्रियल और वापस भी क्या है, सिर्फ अल यल नहीं आए, पूरा प्रियल आए, तो सोर्स और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए, कम से कम 17.2 मीटर्स। यही रीजन है कि जब आप रूम में इको करते हो बहुत छोटे से, तब आपको इको तो आती है लेकिन अमरीन का सिर्फ इन आएगा, क्यों, बिकॉज अगर अमरीन आता भी है तो मेरा जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड है वो उसको भूला ही नहीं होता है, और उसके पहले क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या ये डेरिवेशन क्लियर है, क्या
क्या कंसेप्ट समझ में आया, इको वाला पूरा? ठीक है, तो यहाँ की मीटिंग हम लोग आज यहीं वाइंड अप कर रहे हैं।